हे गाइस, दिस इज शुभम कुमार। वेलकम टू आवर चैनल दैट इज डिटेल्ड मैथमेटिक्स। सो दिस इज द फोर्थ लेक्चर ऑफ द यूक्लिड ज्योमेट्री। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द यूक्लिड्स पोस्टुलेट। ओके, यूक्लिड्स जो साइंटिस्ट थे उन्होंने 5 पोस्टुलेट्स दिए थे। ठीक है, पहले इससे पहले लेक्चर में हम लोग यूक्लिड एक्सियम के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो क्या है, यूक्लिड पोस्टुलेट। ठीक है, चलिए देखते हैं। सो फर्स्ट पोस्टुलेट क्या है, अ स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट्स। बात समझिए, देखिए, अ स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट टू वन अनदर। क्या ड्रॉ करना, एक स्ट्रेट लाइन। क्या स्ट्रेट लाइन मतलब, देखिए इसको एग्जाम्पल में समझाते, ऐसा समझ में नहीं आएगा। देखिए इस पोस्टुलेट्स को नोट कर लीजिएगा। ठीक है, जो भी पोस्टुलेट्स लिख रहे उसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, मान लीजिए क्या बोला, एक स्ट्रेट लाइन में भी ड्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट टू वन अनदर। एक पॉइंट मान लीजिए कुछ भी, पी मान लीजिए। ठीक है, एक पॉइंट मान लीजिए क्यू। ठीक है, दो पॉइंट है। ठीक है, तो बोला गया कि ओनली अ सिंगल स्ट्रेट लाइन, सिर्फ एक सिंगल स्ट्रेट लाइन ही ड्रॉ किया जा सकता है इस दोनों पॉइंट के बीच में। समझ में आ रहा ना, आप किसी तरह मतलब, देखिए आपको एक लाइन के अलावा और भी ज़्यादा लाइन आप इस दो पॉइंट के बीच में ड्रॉ नहीं कर सकते। मतलब ये दोनों बीच को, मतलब जो कि ये दोनों भी एक लाइन, ऐसा लाइन, कोई भी ऐसा लाइन जिसपे सिर्फ दो पॉइंट आए, सिर्फ दो पॉइंट आए, वो ऐसा सिर्फ एक ही लाइन हो सकता है। एक से ज़्यादा लाइन नहीं होगा, एक ही लाइन होगा, एक ही लाइन होगा, एक से ज़्यादा लाइन नहीं होगा। ये भी बस एक ही लाइन होगा, एक से ज़्यादा लाइन नहीं होगा। बात समझ आ रहा ना, समझ आ रहा बात। ये पहला पोस्टुलेट था, सिंपल पोस्टुलेट था। ठीक है, कोई भी, हाँ एक कंडीशन अलग है, एक कंडीशन अलग है। वो कंडीशन क्या है कि ये दोनों पॉइंट को इंसाइड नहीं करना चाहिए। मान लीजिए ये पॉइंट है P, ठीक है, अब बोलेगा कि Q पॉइंट भी इसी के ऊपर है, तब फिर लाइन कहाँ से ड्रॉ होगा, तब लाइन ड्रॉ नहीं होगा। एटलीस्ट मतलब ये दोनों कुछ दूरी पे हो। कुछ दूरी क्या मतलब, ये दोनों को इंसाइड नहीं करते। कंडीशन क्या है, इट मस्ट नॉट को इंसाइड। ठीक है, ये दोनों कोइंसाइड ना करता हो। ठीक है, समझ में आ रहा ना। वही अगर एक कोई भी पॉइंट मान लीजिए ए बी को जब भी आप ज्वाइन करेंगे एक स्ट्रेट लाइन के हिसाब से, आपका सवाल होगा कि क्या हम ऐसे ऐसे ज्वाइन करें, तो ये भैया ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। आप स्ट्रेट लाइन ज्वाइन कीजिएगा तो वो बस एक ही लाइन प्रोड्यूस होगा। कितना, दो पॉइंट के बीच में एक ही लाइन प्रोड्यूस होगा। ये बात अलग है कि अगर आप तीन पॉइंट लीजिएगा तो भी ज़्यादा लाइन प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तीन पॉइंट में बहुत ज़्यादा लाइन प्रोड्यूस होगा, बट दो पॉइंट के बीच में सिर्फ एक ही लाइन प्रोड्यूस होगा। तो पहला पोस्टुलेट यही बोल रहा था कि दो पॉइंट के बीच में सिर्फ एक ही स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया जा सकता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए नोट कीजिए इसको, पहले वाला पोस्टुलेट्स। ठीक है, सेकेंड पोस्टुलेट्स क्या, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनडेफिनेटली। देखिए क्या बोलना चाह रहा, बात को समझिए। इसका टर्मिनेशन मतलब क्या होता है, एंड। टर्मिनेशन मीन्स एंड, मीन्स आखिरी, लास्ट। ठीक है ना, टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनडेफिनेटली। देखिए क्या बोल रहा, कोई एक लाइन है, ठीक है, कोई एक लाइन है, उसको दो पॉइंट मान लीजिए, ये मान लीजिए पी है, ये पॉइंट मान लीजिए क्यू है। ठीक है, लाइन, ये बताइए क्या, ये क्या है, लाइन है या लाइन सेगमेंट है। अच्छा, लाइन और लाइन सेगमेंट में आप लोगों को मतलब डिफरेंस समझ में आता ना। लाइन सेगमेंट जिसका एक करेक्ट मेजर्स हो, मतलब ये जो लाइन है ये मान ले बोल दिए 5 सेंटीमीटर का। ठीक है, जो ये 5 सेंटीमीटर हम बोल दिए, इसका मतलब ये लाइन नहीं, ये लाइन सेगमेंट है। और लाइन क्या होता है, वो इन्फिनेटली मीन्स इनडेफिनेटली बहुत लंबा जाता है। ठीक है, जिसका कोई एंड नहीं है। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं लाइन। बट किसका करेक्ट मेजर दिया, वो क्या हो गया, लाइन सेगमेंट। ठीक, इसी तरह मीन्स ये लाइन सेगमेंट है। और ये सेकेंड पोस्टुलेट से बोलता है कि लाइन सेगमेंट का एंड से हम उसको इनडेफिनेटली कितना भी दूर तक एक्सटेंड कर सकते हैं, कितना भी दूर तक एक्सटेंड कर सकते हैं, यही बोल रहा था। ठीक है, समझ में आ रहा ना, इजी है, सिंपल है। ये ऐसा नहीं कि बोर्ड के बाहर नहीं जाएगा, बोर्ड के बाहर भी जाएगा, मतलब इसका कोई एंड नहीं है। ठीक है, चलिए, मतलब ये दोनों पॉइंट कभी एक दूसरे में नहीं मिलेगा नहीं। ठीक है, चलिए, ये सेकेंड पोस्टुलेट था। ठीक है, तो थर्ड पोस्टुलेट्स क्या बोलते हैं, आ
अ सर्कल कैन बी ड्रॉन इफ अ सेंटर एंड अ रेडियस इज प्रोवाइडेड। थर्ड पोस्टुलेट्स ये बोलता है कि अ सर्कल कैन बी ड्रॉन, हम एक सर्कल बना सकते हैं, एक सर्कल बना सकते हैं अगर इफ अ सेंटर एंड अ रेडियस इज प्रोवाइडेड। अगर आपको एक सेंटर और एक रेडियस दे दे तो आप पूरा सर्कल बना सकते हैं। कैसे कैसे, देखिए देखिए दिखा दे, एक्सपेरिमेंट के तौर करके दिखाए, एक्सपेरिमेंट करके दिखाए, चलिए कुछ एक्सपेरिमेंट करके दिखा दे। कुछ 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 सूता तो है नहीं, सूता रहता तो हो जाता, कुछ सूता नहीं है, चलिए देखते हैं, ऐसे ही देखते हैं। देखिए मान लीजिए एक सेंटर है, ये सेंटर है, ठीक है, ये सेंटर दे दिया, कुछ और भी सेंटर मान सकते हैं, और ठीक है चलिए पहले इसी सेंटर पे दिखाते हैं। ये सेंटर है, कोई एक ये रेडियस है, रेडियस बोल दिया है 2 सेंटीमीटर का रेडियस है, ठीक है, ये सेंटर हो गया, ये रेडियस हो गया, इधर भी 2 सेंटीमीटर का रेडियस, 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 ठीक है। देखिए अभी दिखा रहे हैं 2 सेंटीमीटर रेडियस, 2 सेंटीमीटर रेडियस, 2 सेंटीमीटर रेडियस, 2 सेंटीमीटर रेडियस, मीन्स यहाँ से दूरी 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, मतलब एक सर्कल बना देगा टोटल सेंटीमीटर, जहाँ भी आपका दूरी जाएगा वो क्या हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। बात समझ में आ रहा ना, बात समझ में आ रहा, मीन्स ये जो दूरी बनाएगा ये गोला का 2 सेंटीमीटर होगा, कितना होगा 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर कितना होगा। तो आप कहीं से भी देख लीजिए, ये सेंटर है ना, ये सेंटर, यहाँ से आप कहीं भी दूरी देख लीजिए 2 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है, समझ में आ रहा, मीन्स आपको ये एक सेंटर मिला है और ये आपको एक क्या दिया है, ये आपको क्या दिया, ये आपको एक रेडियस मिला, सेंटर और रेडियस मिला, आप क्या किए एक सर्कल ड्रॉ कर दिए, क्या किया एक सर्कल ड्रॉ कर दिए, कितना ईजी था ना ईजी। चलिए सो फोर्थ पोस्टुलेट्स क्या है, फोर्थ पोस्टुलेट्स है ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर, ठीक है, क्या बोल रहा, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर, मतलब बोलने का मतलब क्या, मान लीजिए कि राइट एंगल पता है ना, राइट एंगल क्या होता है, राइट एंगल हम लोग किसके बोलते हैं, राइट एंगल किसको बोलते हैं हम लोग, जिसका वैल्यू कितना होता है 90 डिग्री, जिसका वैल्यू कितना होता है 90 डिग्री, ठीक है। इस थ्योरम का बोलने का मतलब क्या, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर, मतलब बोलना चाह रहा कि कोई भी एक राइट एंगल, जैसे देखिए ये एक राइट एंगल है, इसका डिग्री कितना है 90 डिग्री, है ना, आप कंपास से मेजर कीजिएगा कितना आएगा 90 डिग्री आएगा, ठीक है, ये हो गया। फिर एक इतना बड़ा बनाते हैं, ये हो गया, ठीक है, इधर मिटाते हैं और एक ये बनाते हैं, नाइन्टी डिग्री। तो क्या बताइए, हमको ये बताइए, क्या ये तीनों 90 डिग्री क्या अलग है, अलग है जी नहीं, तीनों सेम है, क्या है, तीनों सेम है, क्योंकि जब भी हम राइट एंगल की बात करते हैं, एंगल की बात करते हैं तो उसका वैल्यू की बात करते हैं, उसका साइज की बात नहीं करते हैं, ये साइज से कुछ ना हो, इसको भी हम चाहें तो इसको भी हम एक्सटेंड कर सकते हैं, इसको भी एक्सटेंड करके और भी बड़ा बना सकते हैं, इसको भी एक्सटेंड करके और भी बड़ा बना सकते हैं, सेम इसके बराबर, इसको भी छोटा करके हम और छोटा बना सकते हैं, ठीक है, मीन्स ये साइज पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। फोर्थ पोस्टुलेट जो बोल रहा है कि सारा राइट एंगल्स होता है उसका वैल्यू 90 डिग्री होता है, सारा राइट एंगल क्या होता है, सेम होता है, चाहे वो कोई भी राइट एंगल हो, ठीक है, बात समझ में आ रहा ना, ठीक है, ये फोर्थ पोस्टुलेट था। तो अब फिफ्थ पोस्टुलेट देखते हैं, इसको नोट कीजिए, सो
सो फिफ्थ यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स इज द मेन पोस्टुलेट्स. ओके, इसका नाम भी है प्लेफेयर्स एक्जियम्स. ओके, ठीक है. क्या आप बोलिए कि ये एक्जियम्स है? एक्जियम्स नहीं है, ये पोस्टुलेट्स है, बट इसका नाम है प्लेफेयर्स एक्जियम्स. ठीक है, ये क्या बोलता है? इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन्स मेक्स द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ इट्स टेकन टुगेदर लेस देन द टू राइट एंगल्स देन, यहाँ क्या होगा, देन द टू स्ट्रेट लाइन्स प्रोड्यूस इंडेफिनेटली मीट ऑन दैट साइड ऑन विच द सम ऑफ द एंगल्स इज लेस देन 180 डिग्री. मीन्स यहाँ पर बोल सकते हैं टू राइट एंगल्स. ठीक है, समझ आ रहा? देखिए बात क्या, देखिए इसको समझिए क्या बोलना चाह रहा है. पहले बात तो इतना बड़ा डेफिनेशन है, समझ में नहीं आ रहा. देखिए थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन. इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन, मतलब कोई एक स्ट्रेट लाइन, मान लीजिए कोई एक स्ट्रेट लाइन, किधर दिखा, चलिए इधर दिखाते हैं, जगह नहीं है फिर भी हम दिखाते हैं इधर साइड में, इसको मिटाते हैं, ध्यान से देखिए इधर, प्लेफेयर एक्जियम्स नाम है इसका. ठीक है, कोई एक स्ट्रेट लाइन मान लीजिए, कोई एक स्ट्रेट लाइन इस तरह मान लीजिए. ठीक है, चलिए फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन, फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन, कोई दो एक स्ट्रेट लाइन मान लेते हैं, इस तरह मान लेते हैं, एक इस तरह मान लेते हैं. ये दो स्ट्रेट लाइन है, इस दो स्ट्रेट लाइन पे कोई एक स्ट्रेट लाइन गिर रहा, ये दो स्ट्रेट लाइन पे कोई एक स्ट्रेट लाइन गिर रहा है. ठीक है, समझ में आ रहा ना. मेक्स द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड, कोई एक इंटीरियर एंगल, इसका इंटीरियर एंगल ये भी हो गया, ये हो गया, या फिर ये चार इंटीरियर एंगल बन रहा, बना ना चार इंटीरियर एंगल. तो क्या बोल रहा, मेक्स द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड. सेम साइड मीन्स अगर ये इंटीरियर एंगल लेंगे तो हमको ये भी इंटीरियर एंगल लेना होगा, या फिर अगर ये इंटीरियर एंगल लेंगे तो हमको ये भी इंटीरियर एंगल लेना पड़ेगा. ठीक है, सेम साइड. ठीक है, क्या बोल रहा, ऑन द सेम साइड ऑफ इट्स टेकन टुगेदर लेस देन द टू राइट एंगल्स, लेस देन टू राइट एंगल मीन्स ये दोनों का जो एंगल होगा, ये दोनों का सम, ये क्या होगा, दो राइट एंगल से कम होगा. दो राइट एंगल क्या होता है, एक राइट एंगल 90 डिग्री, तो दो राइट एंगल क्या होगा, इंटू टू इज इक्वल टू 180 डिग्री, मीन्स 180 डिग्री से छोटा होगा ये दोनों एंगल्स. एंगल ए मान लीजिए एंड एंगल बी मान लीजिए, यहाँ पर मतलब बोलना क्या चाह रहा है, एंगल ए प्लस एंगल बी शुड बी लेस देन 180 डिग्री. अभी दिखाते हैं आपको, बढ़िया से दिखाते हैं, बात समझिए. देन द टू स्ट्रेट लाइन्स प्रोड्यूस इंडेफिनेटली, तो ये दोनों स्ट्रेट लाइन जो प्रोड्यूस होगा वो इंडेफिनेटली, अभी बताते हैं, वो कहीं ना कहीं मीन्स ऑन दैट साइड विच इट, जिस साइड में एंगल लेंगे उस साइड में हम प्रोड्यूस करते हैं. मतलब मान ली इधर एंगल लिए तो इस साइड में प्रोड्यूस करेंगे, इधर इस साइड में इसको प्रोड्यूस करेंगे. ठीक है, अगर इधर एंगल लेंगे तो इस साइड प्रोड्यूस करेंगे, इधर प्रोड्यूस करेंगे. ठीक है, तो क्या बोलना चाह रहा, ऑन विच सम ऑफ द एंगल्स इज लेस देन 180 डिग्री, मतलब जिस साइड में, देखिए बढ़िया से दिखाते हैं इसको, रब करके दिखाते हैं, बढ़िया से एकदम एक्सप्लेन करते हैं, फ्रेश कॉपी. ठीक है, चलिए इस पर गौर कीजिएगा, ये मेन पोस्टुलेट है. ठीक है, इसको आप समझिएगा तो फिर आप सारा पोस्टुलेट समझ में आ जाएगा आपको. देखिए बोलने क्या चाह रहा, देखिए कोई दो लाइन मान लीजिए इधर, एक लाइन दो लाइन. ठीक है, ये दो लाइन है, इसको और थोड़ा इधर से ऐसे लेते हैं, अच्छा लगेगा देखने में, अच्छा लगने का नहीं बट कंसेप्ट अच्छा समझ में आएगा. ये दो एक स्ट्रेट लाइन है ना, ये दो लाइन पे कोई चौक ले लेते हैं, ये दो लाइन पे एक लाइन गिर रहा. ठीक है, ये दो लाइन पे एक लाइन गिर रहा. ठीक है, ये दो लाइन पे एक लाइन गिर रहा. ठीक है, चलिए गिर गया. अब इस पर हम बोले क्या कि इसका एक इंटीरियर एंगल लेते हैं, ये एंगल ए है, एंगल से ऐसे डिनोट करते हैं एंगल को, पता है ना, ये एंगल बी में लेते हैं, ये दोनों इंटीरियर एंगल है ना, दो इंटीरियर एंगल, दोनों सेम साइड में है. ठीक है, चलिए अब बोलने क्या चाह रहा, अगर इफ एंगल ए प्लस एंगल बी इज लेस देन 180 डिग्री, मतलब एंगल ए और एंगल बी का वैल्यू जो होगा वो 180 डिग्री से कम होगा. समझ में आ रहा ना, दो राइट एंगल यानी 180 डिग्री से कम होगा, तो फिर क्या होगा, तो फिर होगा क्या, तो फिर जिस साइड में एंगल हम लिए उसको क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे. देखिए कैसे एक्सटेंड करते हैं, ऐसे एक्सटेंड किया सीधा. ठीक है, फिर इसको एक्सटेंड करेंगे, ये ऐसे एक्सटेंड किए, तो ये कहीं ना कहीं जा करके ये क्या करेगा,
मिलेगा, कहीं ना कहीं जा करके मिलेगा, यही बोलना चाह रहा था, ठीक है, कहीं ना कहीं जा करके मिलेगा। ये एग्जाम्स, ये पोस्टुलेट्स क्यों आए वो अभी हम बताते हैं, ठीक है, ये पोस्टुलेट्स क्यों है अभी बताते हैं, कहीं ना कहीं जा करके ये मिलेगा, ठीक है, बात समझ में आया ना, ये बात यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर हो गया, चलिए ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है, चलिए देखिए देखिए, कोई एक लाइन मान लीजिए, ये मान लीजिए एल ले लीजिए, लाइन का नाम, इस लाइन का नाम एल ले लेते, चलिए ये एक लाइन है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन है, ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है ना, ये स्ट्रेट लाइन है, कंसेप्ट को समझिए, कोई एक पॉइंट ले लेते हैं जो इस स्ट्रेट लाइन का बाहर है, मीन्स स्ट्रेट लाइन पे नहीं है, इस स्ट्रेट लाइन पे वो पॉइंट नहीं है, ठीक है, चलिए ये पॉइंट पी ले लेते हैं। अब बोलना जा रहा है कि ये लाइन से बाहर ये पॉइंट पी है, अगर कोई भी एक ऐसा लाइन जो पॉइंट पी को पॉइंट पी से पास करे, इफ एनी लाइन passes through point P, समझ में आ रहा ना, कोई भी एक लाइन पे पॉइंट पी से पास करे जो सीधा रहे, जो स्ट्रेट रहे, एकदम इक्वल, स्ट्रेट इक्वल डिस्टेंस मेंटेन करके रहे इससे, तो वो क्या हो जाएगा, वो लाइन क्या हो जाएगा, पैरेलल, दैट लाइन विल बी पैरेलल पैरेलल टू लाइन एल, समझ ना, बात को समझिए, यहीं से पैरेलल लाइन का कंसेप्ट आया, ठीक है, समझ में आ रहा ना, पैरेलल लाइन का कंसेप्ट कहां से आया, यहीं से आया, समझ में आ रहा ना, चलिए दिखाते हैं। जैसे देखिए आपको एक और एग्जांपल दिखाते हैं, आप जैसे हम इस लाइन को हम बताए थे ऐसे ऐसे ऐसे, देखिए देखिए ये एंगल और ये एंगल को जोड़ के आपको 180 से कम लाना था, अगर ये दोनों 180 हो जाता, अगर इफ बाय चांस एंगल ए और एंगल बी, ये दोनों अगर 180 हो जाता तो एंगल ए प्लस एंगल बी अगर 180 डिग्री हो जाता, तो फिर पता क्या होता, ये लाइन और ये लाइन दोनों क्या हो जाता, पैरेलल हो जाता, और अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हो जाता तो वो आगे आगे कंसेप्ट है, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है और इसको एक लाइन काट रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है, ये आगे का कंसेप्ट है, ठीक है, ये सब आगे का कंसेप्ट है, अभी आपको समझना नहीं है, ठीक है, तब तक के लिए हम मतलब इसको बता देते हैं, क्या ट्रांसवर्सल होता है, क्या पैरेलल होता है, पैरेलल का कंसेप्ट यहीं से है, ठीक है, ये था यूक्लिड का पोस्टुलेट्स, ठीक है, पांचों पोस्टुलेट्स था, तो हम इसको इस पोस्टुलेट्स को यहीं पर ख़त्म करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर मतलब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखते हैं इसके आगे लाएंगे, ठीक है, अभी इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, इसके बाद फिर वन शॉट लाएंगे, सो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।